ये अभी हम आए हुए मालेगांव शहर के गिरना डैम में, और अभी हम दिखाने वाले आपको गिरना डैम, जो मालेगांव शहर को पूरा पानी और जलगांव शहर को पूरा पानी सप्लाई यहाँ से होता है। ये देखिए ये पूरा डैम है यहाँ से आए हुए। दोस्तों कैसे हो? दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। आज का जो हमारा ब्लॉग है मालेगांव शहर गिरना डैम का, ये दिखा रहा हूँ। देखो ये गिरना डैम है और यहाँ देखो पानी है पूरा। यहाँ जहाँ भी देखेंगे आप पूरा डैम के अंदर पानी ही पानी है। ये देखो, चलो अभी हम आपको आगे और दिखाते हैं गिरना डैम का। जरा भी पानी नहीं है इधर, और इस बाजू में देखो पानी कितना है, ये पूरा पानी है। अभी हम नीचे उतर रहे हैं, यहाँ से साला दिखाते आपको। उतर तू, उतर। ये देखो यहाँ से अभी उतरने का, यहाँ से फट रही है थोड़ा सी, है ना? फट रही ना मुख्तार? फट रही है साला, बहुत डर लग रही है। बाकी फिर भी हम जाएंगे नीचे, क्योंकि नीचे का भी अभी हमें नज़ारा देखना है कैसा है, क्योंकि बहुत साल के बाद हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। नहीं भी तो कुछ 5-6 साल हो गए होंगे, लॉकडाउन के पहले हम आए थे, लॉकडाउन के बाद आए नहीं। और इधर पानी वो बाजू में जरा सी कम है, फिर भी हम जा रहे हैं नीचे। चलो अभी नीचे का आपको दिखाते हैं, आइए। अरे बाप रे, अरे बाप। ये देखो यहाँ से, ये देखो ये खिड़की है, ये देखिए ये पूरे खिड़की है। हाँ नीचे आ रहा हूँ, नीचे आ रहा। ये देखिए अभी तो यहाँ पहुँचे हम लोग, यहाँ से ये देखिए गिरना डैम को। अब सही जगह पे हम आए हैं। यहाँ देखो ये खिड़की है, ये एक खिड़की हुई है। ये देखो वहाँ लिखा हुआ है एक नंबर। अभी हम ये दो नंबर खिड़की है, और यहाँ से पहले थोड़ी बहुत खिड़की खुली हुई रहती थी तो पानी बहुत स्पीड में इधर जाता था। बाकी अभी ये बंद किया हुआ है, ये देखो ये पूरा बंद किया हुआ है, ये तीन नंबर। हाँ ये देखो ये पूरा ये पानी जमा हुआ पानी है। ये इधर से पानी जो है जलगांव में जाएगा, यहाँ से। अभी हम दिखा रहे हैं आपको, और वहाँ से हम ऊपर आए हैं। इधर से भी ऊपर जा सकते हैं अगर जाना चाहे तो, बाकी कोई रास्ता नहीं है उधर से जाने के लिए। ये देखो ये चार नंबर मैदानी मैदान है, यहाँ से दिख रहे हैं। ये जूम करके दिखाते हैं आप लोगों को, ये देखिए। चौदह नंबर खिड़की है, ये देखो। यहाँ से वहाँ से देखो थोड़ा पानी आ रहा है, और ये देखिए वहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ से, और ये यहाँ से देखिए। अभी हम यहाँ पहुँच चुके हैं पूरा। ऊपर आते हैं, चलो ऊपर। बहुत ही खतरनाक सीढ़ी है रे बाप। हाँ ना, ये देखो पूरा खड़ी सीढ़ी है, ये देखो साला मोबाइल गिर गया है। ये देखो पूरा देख के उतरना पड़ रहा है एक एक। ये तो अभी वो हो जाएगा, काम बढ़ जाएगा, मोबाइल जाएगा, मैं जाऊँगा तो मिलूँगा भी नहीं। से अभी हम ऊपर चढ़ चुके, और ये पीछे का नज़ारा जरा अच्छा लग रहा है, मस्त तो लग रहा है, देखने में भी खूबसूरत लग रहा है। बहुत खतरनाक सीढ़ी है, देखो सीढ़ी दिखाता हूँ कितनी खड़ी है। वाकई में डर लग रही थी हमें, कितनी खड़ी सीढ़ी है साला। हाँ थोड़ा सी नज़र हटी, ये देख लिए।
ये सब जगह। चलो आओ दिखाता हूँ। अब ये डैम का हाँ इधर से दिखा रहे, ये देखो पानी यहाँ पे फूट लिखा हुआ था पहले, अभी अभी कलर उलर मार दिए तो नहीं समझ में आ रहा है। ये देखो यहाँ से यहाँ सब लिखा हुआ है, इतना हमें पढ़ते तो आता नहीं है, फिर भी आपको दिखा देते हम। ये देखिए सन उन लिखा हुआ, सन लिखा हुआ है कि कब बना, सन लिखा हुआ है। ये देखिए ये देखिए ये वहाँ से यहाँ थोड़ा ठीक लग रहा है, छाव है तो है ना। ये देखिए उधर से कुछ लोग आ रहे हैं, बाकी यहाँ पब्लिक नहीं, हम ज़रा जल्दी आए हैं। यहाँ शाम में या जुमे के दिन जब बहुत पब्लिक होता है यहाँ डैम में, जुमे के दिन ज़्यादा पब्लिक होता है यहाँ पे, क्योंकि ये देखो यहाँ भी कुछ लिखा हुआ है। ये देखिए यहाँ डैम का फूट लिखा हुआ है, हर चीज़ लिखा हुआ है। रुको आपको दिखाते हैं पीछे का बैक कैमरा करते दिखाते आपको। ये देखो ये देखिए और भी हम आपको दिखाएंगे, इसके लिए वीडियो पूरा देखते रहना। ये देखो अब यहाँ से आए, किसने बोला, ये देखो अभी हम नीचे उतरे, यहाँ से पानी देखो अब जरा सी लग रहा है ऐसा। यहाँ बोर्ड उड़ देखो, बोर्ड वहाँ दिख रही है, ये सब खो खो हाँ, ये जितनी खोली बनी ले काय की रहती है ये खोली सब, पानी भी मरा है ना वो, ये खोलिया तो मशीन है अंदर, मशीन है क्या, सब फिल्टर करने वाली है ना, फिल्टर नहीं खिड़की ना सब बंद है, इसके लिए पानी समझ में नहीं आ रहा, नहीं तो इधर खिड़की खुला रहता ना बहुत स्पीड में पानी उड़ता है। ये देखिए यहाँ से अब समझ में आएगा डैम, अभी हम नीचे आ चुके हैं, यहाँ से दिखाते आपको। ये देखिए ये पूरा डैम दिख रहा है, ही दिख रहा है, ये देखो ये यहाँ का, यहाँ से आपको समझ में आ रहा हूँ कि अरे डैम की कितनी टोटल खिड़की है और कितनी नहीं है। ये खिड़की अगर खुली भी रहती ना तो हम यहाँ खड़े भी नहीं रह पाते, क्योंकि पानी की स्पीड वहाँ रहती है, इतना स्पीड चलता है। अगर इसमें से थोड़ी भी खिड़की खुली भी रहती, बाकी ये साल पानी नहीं है इसके लिए यहाँ खिड़की खुली भी नहीं है। यहाँ देखिए ये बहुत तेज, अभी हमको भूख लगा है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ही कुछ घूम लिया अभी, और वहाँ डैम पे घूमते घूमते थक गए। हाँ मिसल पाव खा रहे हैं, टायर नहीं बोले उनने, टायर नहीं निकला बाहर।